हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हायर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी राजकीय सेवाओं के विभिन्न विभागों के थे, जिनका कहना था कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी इन सेवानिवृत्त पेंशनरों को 500 से 3000 KBC पेंशन मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में काफ़ी कम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और EPFO द्वारा आदेश न मानने के खिलाफ सभी पेंशनर प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द विभिन्न माध्यमों से अन्य स्थलों पर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम लोगों का जो है 2016 में एक डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो EPS 95 पेंशनर है उनको इस परिधि में लाएगा, सबको हायर पेंशन दी जाए। हायर पेंशन दी जाए तो उसमें यह कहा था कि हायर पेंशन वो होती है जो बेसिक पे DA का जो है 8.33 के हिसाब से जो भी इनका बनता है वो दिया जाए। हम लोगों को आज पेंशन क्या मिलती है, 500 से लेकर 3000 रुपये पेंशन मिलती है। किस आधार पर मिलती है समझ नहीं आता, जबकि हमारा पैसा हर महीने 541 और 561 रहा है, 1250 रुपया 15000 लिमिट जो है 15000 रुपया कटता है और सरकार दे रही है 500 से 3000। आज के महंगाई के दौर में तो आप समझ लीजिए 500 से 3000 के बीच में कैसे गुजारा लोग करते होंगे। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम सेवानिवृत्त से हो चुके हैं 2014 में। हम पेंशन के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि हमें 7500 प्लस DA ये मिलना चाहिए और यही लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है सन 2014 से अब तक और हम ये लेके रहेंगे।